हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। यूएसए में कैसा सिस्टम है, यूके में एंड इंडिया में कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में किस तरह का सिस्टम है ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। ये हमारा 13th सेशन रहेगा एंड द लास्ट सेशन रहेगा कंपैरेटिव पब्लिक लॉ यूनिट्स 10 का, ठीक है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यदि आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, जिसमें आपको अभी तक हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट 10 का हमारा ये लास्ट सेशन है, ठीक है। इसमें आपको अपलोडेड मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप इसमें फाइंड नहीं कर पाते हो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को, ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की, तो ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। एक लेमन टर्म में हम समझे तो राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि हम लोगों को, सभी को राइट है क्या करने का, इंफॉर्मेशन लेने का। जो भी फंक्शन हो रहे हैं, जो भी फंक्शनिंग हो रही है गवर्नमेंट में, उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट से जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको रिकॉर्ड लेना है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप ले सकते हो। आपको ये राइट की गारंटी देती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को एक ट्रांसपेरेंसी की, गवर्नमेंट कैसी हो जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, पार्टिसिपेशन हो और कोलैबोरेशन हो, ठीक है, जहां पर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अच्छे से पार्टिसिपेशन से काम हो सके, कोलैबोरेशन से काम हो सके। और ओपननेस ऑफ गवर्नमेंट क्या बताता है, ये एक बाउंड टू एक्ट है जो कि क्या करता है, चेक रखता है कि हम इस इंफॉर्मेशन को लेकर क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कहीं गवर्नमेंट के किसी पावर का, जब गवर्नमेंट को पावर दी गई है तो वहां पर उसका यूज, अव्यूज या मिसयूज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो पावर है उसका यूज, मिसयूज या अव्यूज ना हो, इसलिए चेक रखती है हमारी ओपननेस ऑफ गवर्नमेंट, ये बताता है, ठीक है, कि हम ये मानते हैं कि ओपननेस ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कि जो भी पावर्स दी गई है गवर्नमेंट को उसका मिसयूज ना हो, ठीक है। इसके साथ जो जस्टिस भगवती हैं, उन्होंने एक लैंडमार्क केस में बताया था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का एक केस था, जिसमें बोला था कि गवर्नमेंट इज एन न्यू डेमोक्रेटिक कल्चर ऑफ ओपन सोसाइटी टुवर्ड एवरी लिबरल, ठीक है, डेमोक्रेसी इज मूविंग एंड अवर कंट्री शुड बी नो एक्सेप्शन, जिसमें बोला गया था कि ओपन गवर्नमेंट या हमें डेमोक्रेटिक कल्चर को अपनाने के लिए क्या होना चाहिए, सोसाइटी क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। गवर्नमेंट जब हम जो गवर्नमेंट से जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहे वो एक ओपनली एक्सेस होना चाहिए, कि सिटीजन जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहे वो ले सके, ठीक है। इसके अलावा ओपन गवर्नमेंट इन यूएसए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम यूके करेंगे, फिर हम इंडिया को करेंगे, ठीक है। तो यूएसए में कैसा सिस्टम है, तो यूएसए में रेफर किया जाता है ओपन गवर्नमेंट का सिस्टम। ये रेफर करता है प्रिंसिपल एंड इनिशिएटिव, कुछ एक प्रिंसिपल है, कुछ एक इनिशिएटिव लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका एम क्या है, इंक्रीज करना कि गवर्नमेंट में क्या हो, ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज हो, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो और सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है, कि सब जो भी गवर्नमेंट के एक्सेस है, उनके फंक्शन है, उन तक जनता की पहुंच जो है वो हो सके। ओपन गवर्नमेंट एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि डिजाइन किया गया है ताकि प्रमोट किया जा सके एक्सेस टू द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, कि आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो इसको एक्सेस कर, मतलब जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो वो ले सके, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन और फोस्टर पब्लिक इंगेजमेंट और इन्हांस किया जा सके डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, ठीक है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको जो है वो इन्हांस किया जा सके। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले बोला है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है वहां पर, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है जो ये कहता है कि एक फेडरल लॉ को ग्रांट करता है, कि एक ऐसा फेडरल लॉ है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा फेडरल लॉ है जो कि ग्रांट करता है पब्लिक को, उसको राइट दिया जाता है पब्लिक को, कि आपको पूरा राइट है, आप एक्सेस करना चाहते हैं, यदि किसी भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड लेना चाहते, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते, गवर्नमेंट की एजेंसी से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते, तो आपको जो है वो ये राइट है, आप ले सकते हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है
रिक्वेस्ट कैन बी मेड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, कि आपको जो है वो वाइड रेंज में पावर दी गई है कि आप किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट को, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को लेना चाहते हैं, उसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है, विद कुछ एक सर्टन एग्जम्पशन भी है फॉर अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि कुछ एक इन्फॉर्मेशन को छोड़कर। अब देखो कि कहीं कहीं जो होता है कि गवर्नमेंट को भी अपनी गोपनीयता को या सिक्रेसी को मेंटेन करना जरूरी होता है उस इन्फॉर्मेशन को छोड़कर, बाकी सभी जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट और ऑपरेशन, यहां पर बोला ओपन गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव करती है, मतलब एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि एम्फेसाइज करता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटी कर रही है, स्पेंडिंग, जो कि पैसे का लेन देन हो रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो है वो जनता की जो है वो वहां तक पहुंच हो। और ये बताता है कि गवर्नमेंट के ऑपरेशन में क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। डाटा ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है तो यहां पर बोला है कि जो यूएसए की गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है एक data.gov, ये एक ऐसा पोर्टल और वेबसाइट बनाई गई है जो कि प्रोवाइड करती है ताकि जनता जो है वो एक्सेस कर सके, जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो इस पोर्टल के माध्यम से ले सकती है, जिसमें इंक्लूडिंग हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए अलग से जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, एनवायरमेंट, एजुकेशन या और इस्टैब्लिश, मतलब जो भी आप किसी भी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पोर्टल से ले सकते हो, ठीक है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्यों ली जाती है, रिसर्चर जो कि अपने रिसर्चर होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, वो कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन, बिजनेसमैन या पब्लिक टू एनालाइज और यूज गवर्नमेंट डाटा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप की भी बात करेगी, यहां पर बोला जो यूएसए है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, कि इंटरनेशनल इनिशिएटिव सच एज अ ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप, ताकि इनकरेज किया जा सके गवर्नमेंट को टू मेक कमिटमेंट टू प्रमोट, कि प्रमोट किया जा सके ट्रांसपेरेंसी को, सिटीजन पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी को, कि जनता, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जब कोई गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी अपने डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और जब भी उनसे पूछा जाता है कि इस तरह का काम आपने किया नहीं किया, तो वो कम से कम आंसर देने के लिए जो है वो जिम्मेदार होती है, तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी। पार्टिसिपेशन की क्या बात कहेगी, कि जब जो भी गवर्नमेंट काम करेगी उसमें जो है वो कहीं ना कहीं सिटीजन का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि आप जब उनसे क्वेश्चन करोगे तभी जो है वो आपको आंसर दे दिया जाएगा। अब ई गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन सर्विसेज क्या है, यहां पर बोला कि यूएस की जो गवर्नमेंट है उसने डेवलप किया है एक ऑनलाइन, अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए हैं, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में भी है, अभी हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में भी अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए हैं। अब देखो कि हमारे अब हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग से प्लेटफॉर्म बना है, मतलब अलग अलग जो है वो प्लेटफॉर्म बने हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हैं, जिससे रिगार्डिंग यदि आपको किसी भी वेबसाइट, मतलब अलग अलग वेबसाइट बनी है और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कोई भी गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो ऑनलाइन फॉर्म से, एप्लीकेशन से या ई सर्विसेज से, या आपको टैक्स पे करना है या आपको कुछ भी बेनिफिट लेना है, तो आप उन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट्स के माध्यम से जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पब्लिक एंगेजमेंट एंड कंसल्टेशन की बात करेंगे, यहां पर बोला कि ओपन गवर्नमेंट क्या करता है, एक ऐसा इनिशिएटिव है तो कि सीक किया जाता है इंगेज करने के लिए, ताकि सिटीजन जो है वो इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या लाइक पब्लिक कंसल्टेशन, टाउन हॉल मीटिंग्स या ऑनलाइन फॉर्म में किसी भी तरह से जो है वो सिटीजन के साथ, गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन का जो है वो के साथ सहभागिता को जो है वो प्रमोट करे, ताकि गवर्नमेंट जो कुछ भी करना चाहता है, कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहती है या कोई भी ऐसा मीटिंग्स है या अरेंज कर जो है या कुछ, कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें यदि जनता भी, पब्लिक भी, पब्लिक से भी कंसल्ट लेना चाहे तो वो ले सकते, चाहे वो मीटिंग के दौरान या ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भी जो है वो लिया जा सकता है। ये अलाउ करता है ताकि सिटीजन को प्रोवाइड किया जा सके इनपुट ऑन पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। अब विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी है, ठीक है, कि विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ एक ऐसा लॉ बनाया गया है जो कि क्या करता है, सेफगार्ड करता है कि जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, या तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, यदि उन्होंने कोई मिसकंडक्ट कर दिया है, इलीगल एक्टिविटी कर दी है विद गवर्नमेंट एजेंसी के साथ, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन, विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो उनको प्रोटेक्शन दिलवाता, ठीक है, कि डिफेंस ले सकते हैं वो कहीं ना कहीं। सनशाइन लॉ ये बनाया गया है यूएसए में इसलिए ताकि गवर्नमेंट की जो भी मीटिंग्स होंगी, जो भी प्रोसीडिंग होंगी, वो ओपन रहेंगी पब्लिक के लिए,
ठीक है, कि वो उसमें एडवांस अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एडवांस नोटिस दिया जाएगा पब्लिक को, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप इन मीटिंग्स को, इन प्रोसीडिंग में अटेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो. और दीज लॉज क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं किसको, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग. ठीक है, इसके अलावा एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविलिटी की बात करी गई. यहां पर बोला कि ओपन गवर्नमेंट क्या है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है, इंश्योर करना गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को इंश्योर करना और सर्विसेज देना ताकि एक्सेसिबिलिटी हो गई, सिटीजन जो भी एक्सेस करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन वो ले सके, इंक्लूडिंग दोज विद द डिसेबिलिटी थ्रू द कंप्लाइंस विद द एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स. ठीक है, कि जो भी सिटीजन है वो एक्सेस करना चाहे गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन तो ले सके. कोलेबोरेशन विद द सिविल सोसाइटी एंड एडवोकेसी ग्रुप, बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कोलेबोरेट करती है, ठीक है, उन सिविल सोसाइटी से, सिविल ऑर्गेनाइजेशन से, एडवोकेसी ग्रुप से या एनजीओ से, ठीक है, ताकि टू एडवांस ओपन गवर्नमेंट गोल और इनिशिएटिव्स, ताकि क्या किया जा सके, ताकि जो है वो उनके गोल्स जो है उनको अचीव किया जा सके और इनिशिएटिव्स को अचीव किया जा सके. एथिक एंड एंटी करप्शन मेजर भी है, यहाँ पर बोला कि ओपन गवर्नमेंट में इंक्लूड होता है कि प्रमोट किया जा सके एथिकल कंडक्ट और अमंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, और इंप्लीमेंट किया जा सके यदि कहीं करप्शन का मैटर हो रहा है. ठीक है, ठीक, मतलब कुछ ऐसे करप्शन के केसेस आ रहे हैं तो एंटी करप्शन मेजर्स भी लिए जाएं ताकि मेंटेन किया जा सके इंटीग्रिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस को. और ओपन गवर्नमेंट के बारे में क्रक्स में हम समझें तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, बोला है कि एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी गवर्नमेंट के द्वारा, एक ओपन गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कि और इनिशिएटिव है ओवर द टाइम, और गोल क्या है कि क्रिएट करना कि गवर्नमेंट कैसी हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें हो, अकाउंटेबिलिटी हो, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट विद अ सिटीजन हो, मतलब सिटीजन का भी पार्टिसिपेशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ हो सके. ठीक है, और द इंटरेस्ट ऑफ इट्स सिटीजन वाइल अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज. ठीक है, इसके अलावा बात कर ले यूके में, तो यूके में भी सेम ही तरह का कंसेप्ट रहता है. ठीक है, तो यहां पर बोला है कि यूके गवर्नमेंट जो यूनाइटेड किंगडम है, ये रेफर करता है कुछ ऐसे प्रिंसिपल पॉलिसीज प्रैक्टिस जिसका एम क्या है, प्रमोट करना किसको, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, और सिटीजन एंगेजमेंट को, कि मतलब सिटीजन भी जो है वो एंगेज हो सके पब्लिक के काम में, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में, और एक्सेस किया जा सके गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को. बोले ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट एक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो भी हो रही है, ठीक है, जिसमें सिटीजन जो है वो प्रॉपरली तरीके से जो है पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट कर सके. इसके अलावा बात की गई कुछ एक की पॉइंट्स भी हैं, वैसे ही सिस्टम है हमारे यूके में भी, यहाँ बस कुछ एक डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, लगभग सेम ही रहेगा. फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहां पर था, ठीक है, यूएसए में भी था, तो यहाँ पर बोला कि इसमें अलाउ किया गया है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एक्सेस, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हो तो पब्लिक अथॉरिटी से इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हो, और पब्लिक अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, और पब्लिक अथॉरिटी जो है ना वो उसको जरूर से जरूर क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी गई है, कुछ एक सर्टन एक्सेप्शन को छोड़कर, एग्जम्पशन को छोड़कर. ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑपरेशन की बात करी गई कि ओपन गवर्नमेंट इनिशिएटिव करता है, एक इनिशिएटिव है जिसका एम है कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट में जो भी एक्टिविटीज हैं, पॉलिसीज हैं आपका, जो भी लिए जाए, ठीक है, जो भी पॉलिसीज बनाई जाए, बात करें गवर्नमेंट वेबसाइट की, तो एक ऐसे जिसमें आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी की सारी आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो ले सकते हो. जैसे कि अब भी बात करें तो बोला है कि अलग अलग पोर्टल बना दिए गए हैं, जैसे आप बजट से डाटा, रिपोर्ट, एजेंसी इंफॉर्मेशन कुछ भी लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो. ठीक है, इसके अलावा डाटा ट्रांसपेरेंसी के लिए भी वहां भी एक पोर्टल बनाया गया, उसके पोर्टल का नाम है data.gov.uk. ठीक है, ये पोर्टल बनाया गया है, ये प्रोवाइड करता है एक्सेस अ वाइड रेंज ऑफ डाटा, गवर्नमेंट डाटा सेट. ठीक है, कि इस डाटा सेट या इस पोर्टल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और ये इंफॉर्मेशन ज्यादातर किस, कौन से लोग लेते हैं, जो कि रिसर्च करते हैं, जो आपका अनुसंधान करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इनोवेशन करते हैं, कोई भी नवाचार लाना चाहते हैं. और जो भी पब्लिक की मीटिंग है, रिकॉर्ड्स हैं, बोला कि पब्लिक बॉडी इन यूके जनरली रिक्वायर किया जाता है कि जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, और आप उनसे यदि आप उन मीटिंग्स का या किसी भी तरह का रिकॉर्ड लेना चाहते हो तो ले सकते हो. ये बात करता है, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ओपन डाटा एंड डिजिटल सर्विसेज हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे अभी अदर कंट्रीज में क्या, हमारी इंडिया में भी बात देख लो कि अभी यहाँ डिजिटल इंडिया का सिस्टम आ गया है,
वैसे ही यूके में भी ऐसा ही है, यूके गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि यूज किया जा सके ओपन डाटा को और डाटा डिजिटल सर्विसेज को, जो कि इम्प्रूव करता है, जो कि ये बताता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट है और यहां तक जनता की बिल्कुल पहुंच है, एक्सेसिबिलिटी है। यहाँ इसमें इंक्लूड किया जाता है कि प्रोवाइड किया जाए क्या ऑनलाइन टूल एंड सर्विसेज उन सिटीजन के लिए जो कि एक्सेस करना चाहते हैं गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन को और सर्विसेज को, ठीक है। इसके अलावा बात करें पब्लिक एंगेजमेंट एंड कंसल्टेशन कि ओपन गवर्नमेंट में क्या एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि इंकरेज करता है सिटीजन को कि आप पार्टिसिपेशन करो, कि कोई भी आप पॉलिसी मेकिंग, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी मेक करना चाहती है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हो। और यूके की गवर्नमेंट ऑफन कहती है कि सीक पब्लिक इनपुट थ्रू द कंसल्टेशन, चाहे वो किसी भी कंसल्टेशन के माध्यम से हो सकता है, सर्विस सर्वे के माध्यम से हो सकता है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जो है वो आप फीडबैक के माध्यम से भी कोई ना कोई पॉलिसी बना सकते हो। रेगुलेशन एंड इनिशिएटिव की बात करी गई है। एंटी करप्शन मेजर भी है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट में भी यही बोला गया है कि यूके में कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, एफर्ट्स लगाएगी, ठीक है, जिसमें कुछ एक मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करेगी यदि वहां करप्शन जैसा कोई मैटर आ रहा है, करप्शन से रिलेटेड कोई मैटर आ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए एंटी करप्शन मेजर्स भी अपनाए जाएंगे, ठीक है। ये इसमें इंक्लूड किया गया है स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ एंड मैकेनिज्म को। यहाँ पे विस्टल ब्लॉर का सिस्टम है, प्रोटेक्शन दी गई है कि यदि कोई ऐसा वहां पर रॉन्ग डूइंग और मिसकंडक्ट करती है कोई गवर्नमेंट एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन तो उसके सपोर्ट के लिए, मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए, आप देखो कि हर जगह से उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेंस तो चाहिए ना, इसलिए जो है वो कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं विस्टल ब्लॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविलिटी की बात करी गई है कि ओपन गवर्नमेंट एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि दिया गया है जहां से यदि कोई गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, उनकी सर्विसेज से लेकर कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो ऑल सिटीजन को जो है वो ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप एक्सेस कर सकते हो उस इंफॉर्मेशन को, इंक्लूडिंग दोज डिसेबिलिटी, चाहे वो पर्सन डिसेबल ही क्यों ना। कोलैबोरेशन विद द सिविल सोसाइटी की बात करी गई कि यूके गवर्नमेंट क्या करती है, कोलैबोरेट करती है विद द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेसी ग्रुप एनजीओस टू एडवांस द ओपन गवर्नमेंट एंड गोल्स इनिशिएटिव, ठीक है। डिवोल्यूशन रीजनल इनिशिएटिव्स की भी यहाँ पर बात करी गई, यूके में बोला है कि यूके कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंट्री एंड रीजन्स कि यहाँ जो है वो कई ऐसे देश हैं और कई क्षेत्र शामिल हैं जिसमें विकसित सरकारें हैं और अपने अपने दायरे में रहकर जो है वो अपना स्पेसिफिक नीड और प्रायोरिटी को देखते हुए जो है वो काम करता, ठीक है। और किसी को भी यदि इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उस दायरे में जो वहाँ का प्लेटफॉर्म दिया गया है उसके माध्यम से जो है वो अपने अपने एरिया से रिगार्डिंग जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओपन गवर्नमेंट इन यूके एक क्या है, इज एन इंटीग्रल टू मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट। यहाँ पर बोला है कि एक खुली सरकार, यहाँ बोला है इस सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक अभिन्न अंग है और ये सुनिश्चित करता है, ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट एक्शन जो भी लिए जाए वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और अकाउंटेबल होने चाहिए, रिस्पॉन्सिव होने चाहिए टू द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ओपन गवर्नमेंट इन इंडिया की बात करें तो बोला कि जैसे कि अदर कंट्री, अदर डेमोक्रेटिक कंट्री में भी क्या है कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, सिटीजन की इंगेजमेंट होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए पब्लिक इंफॉर्मेशन का, जैसे हमारे इंडिया में भी है। और इंडियन गवर्नमेंट एक क्या करती है, एक वेरियस पॉलिसीज बनाती है, लॉज बनाती है, इनिशिएटिव लेती है ताकि प्रमोट किया जा सके ओपननेस ऑफ गवर्नमेंट को और एनहांस किया जा सके सिटीजन पार्टिसिपेशन को। इसके कुछ की पॉइंट है जैसे कि वहां पर था क्या था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, यहाँ पर है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये एक्ट हमें गारंटी देता है, ये कहता है, राइट देता है ताकि हम सारे के सारे इंडियन सिटीजन यदि कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं पब्लिक अथॉरिटी से तो हम ले सकते हैं। इसका एम क्या है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट को प्रमोट करना। और यहाँ पर सिटीजन को अलाउ किया गया है टू रिक्वेस्ट एक्सेस, यदि आप करना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड को, डॉक्यूमेंट को और इन्फॉर्मेशन को आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ऑपरेशन है, वैसे ही सिस्टम की हमारी गवर्नमेंट क्या है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब यहाँ जो भी पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा या पॉलिसी बनाई जा रही है, ठीक है, उस पर जो है जनता की एक्सेस है, मतलब यदि जनता वहां पर एक्सेस करना चाहती है, जो भी सिटीजन है वो उनसे जवाब मांगना चाहते हैं, उनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन देगी,
जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं, बोला कि गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग वेबसाइट्स बनाई गई हैं, जैसे कि बजट डाटा रिपोर्ट एजेंसी इन्फॉर्मेशन, यदि कोई भी सिटीजन वहां से भी उन पोर्टल के माध्यम से भी एक्सेस करना चाहता है इन्फॉर्मेशन को तो कर सकता है। डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नमेंट की बात करी गई है, अब डिजिटल इंडिया का सिस्टम आ गया था, ये इनिशिएट करता है, प्रमोट करता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को, ताकि मेक किया जा सके गवर्नमेंट सर्विसेज को एंड इन्फॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल टू सिटीजन। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया जाता है गवर्नमेंट एक डेवलपमेंट की जाती है। ठीक है, इसमें बोले दिस इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, कि आप यहां पर डिजिटल इंडिया में ई गवर्नमेंट में जो है वो एक डेवलपमेंट करी गई है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यदि कोई भी सिटीजन गवर्नमेंट सर्विसेज को या इंफॉर्मेशन को या एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, उनमें विकास, इन प्लेटफॉर्म का विकास जो है वो शामिल है। डाटा ट्रांसपेरेंसी है कि यहां पर देखो अलग सा पोर्टल दिया गया हमारे इंडिया के लिए, डाटा गवर्नमेंट gov.in, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है जो कि जिसमें एक डाटा सेट बनाया गया है, यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड यदि आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, पब्लिक एंगेजमेंट एंड कंसल्टेशन है, वैसे ही सिस्टम है कि ओपन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि इनकरेज करता है सिटीजन को पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग एंड इंडियन गवर्नमेंट सीक पब्लिक इनपुट थ्रू द कंसल्टेशन सर्वे के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या फीडबैक देकर भी जो है वो पॉलिसी रेगुलेशन और इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जा सकता है। एंटी करप्शन मेजर है, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, अवॉर्ड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इस तरह के एंटी करप्शन मेजर्स बनाए जाते हैं या लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके और इन्वेस्टिगेशन की जाए सके उन लोगों की जिन पर एलिगेशन लगे हैं करप्शन की चार्जेस जो है वो लगे हैं। विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन है, ये इंडिया के द्वारा, इंडिया में भी इनेक्टेड है हमारा विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ, जो कि सेफगार्ड करता है उन इंडिविजुअल को जिनके खिलाफ जो है वो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जिन्होंने कोई रॉन्ग डूइंग किया है, मिसकंडक्ट किया है विद इन द गवर्नमेंट एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन। एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविलिटी है, कोलेबोरेशन विद सिविल सोसाइटी है, वैसे ही सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अदर कंट्रीज में भी सेम ही सिस्टम है कि एक्सेस हो, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो वो इजिली एक्सेसिबल है ऑल सिटीजन के लिए, जिसमें इंक्लूड किया जाता है कि जो भी यदि कोई डिसेबल भी पर्सन है तो वो भी एक्सेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन। कोलेबोरेशन विद सिविल सोसाइटी, कि आप कोलेबोरेट कर सकते हो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, एडवोकेसी ग्रुप से या एनजीओ से, ताकि इन्हांस किया जा सके ओपन गवर्नमेंट एंड इनिशिएटिव्स को। ठीक है, अब ओपन गवर्नमेंट इन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट क्या है, ट्रांसपेरेंसी है हमारी गवर्नमेंट में, अकाउंटेबिलिटी है, सिटीजन पार्टिसिपेशन है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये हेल्प करता है ताकि इंश्योर किया जा सके गवर्नमेंट एक्शंस को और रिस्पॉन्स, जो भी गवर्नमेंट एक्ट जो भी एक्शन ले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और नीड और एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल एंड प्रमोट किया जा सके गुड गवर्नेंस को। ठीक है, अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हमारे पास आया था UDHR 1948 में, यहाँ पर आर्टिकल 19 में सबसे पहले बात कही गई थी राइट टू इन्फॉर्मेशन की। उसके बाद हमारा आर्टिकल 19 ऑफ इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 आया, जिसमें भी ये कहा गया था कि एवरीवन, हर एक पर्सन का राइट रहेगा, राइट टू फ्रीडम है उसको स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू सीक, कि यदि उसको फ्रीडम दी गई कि यदि वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, सीक करना चाहता है तो कर सकता। ठीक है, और एंड द आइडिया ऑल काइंड ऑफ रिगार्डलेस एंड फ्रंटियर की बात करी गई थी। ठीक है, इसके अलावा बोले कि कैनेडा में राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया है, ये पास हुआ था एयर इन 1986 में कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 1982 में, साउथ अफ्रीका में 1996 में आया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में RTI एक फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया गया। ठीक है, 1996 में। इसके अलावा हम बात करें तो वहां आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन USA की बात करें तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट साइन हुआ था ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ लिंडन बी, ठीक है, जॉनसन 1966 में, और यहाँ पर टर्म एजेंसी को यूज किया गया है। ठीक है, कि आप एजेंसी से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, तो एजेंसी रेफर करता है सारी की सारी पब्लिक बॉडीज ऑब्लिगेशन की, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो डिस्क्लोज करे जो भी इन्फॉर्मेशन उससे मांगी जाए तो वो इन्फॉर्मेशन दे।
जिसमें इंक्लूड किया गया एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, कॉरपोरेशन या अदर एस्टैब्लिश, जो भी एस्टैब्लिश किया गया है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर बोला है कि सभी सारे के सारे के डिपार्टमेंट जितने भी हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन इन यूनाइटेड किंगडम में बात करी गई है, तो यूनाइटेड किंगडम में, यूके में किस तरह का सिस्टम है, तो बोला कि यूके में टू प्रकार के लॉ बनाए गए, मतलब दो तरह के लॉ बनाए हैं, दो एक्ट बनाए हैं। फर्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 एंड दूसरा है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन स्कॉटलैंड एक्ट 2002। कुछ एक इन्फॉर्मेशन यदि आपको एक्स्ट्रा चाहिए, इन्फॉर्मेशन यदि आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड चाहिए, तो इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन 2004 है, आप उनसे उस एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और कुछ एक ऐसी पब्लिक बॉडी है जो कि स्कॉटलैंड में, फॉर एग्जांपल एजुकेशन बॉडीज हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल एंड बाय द स्कॉटिश पार्लियामेंट एक्ट 2000 एक्ट के अंडर आती है, ठीक है, जिसमें जो है वो मतलब जिन ऐसे लॉज हैं, ठीक है, यदि आपको कहीं किसी एक प्रोविजन में इस एक्ट के तहत यदि इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती मिल रही है, तो आप इस एक्ट के तहत जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब हम इंडिया की बात कर लें तो हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में, 19 क्लॉज 1 में, सब क्लॉज ए में जो है वो हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है, फ्रीडम ऑफ टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये राइट दिया गया है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि ये बताता है कि हर किसी पर्सन को फ्रीडम है कि वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, यार उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक केसेस दिए गए हैं जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है, कौन कौन से केस हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बीनेट कोलेमन केस था 1972 का, तो इस केस में जो है वो क्या किया था कि जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, ठीक है, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर जो है वो उनके अलॉटमेंट ऑफ न्यूज़ प्रिंट टू न्यूज़पेपर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इस तरह से, अभी यदि आप न्यूज़पेपर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो या उसको रोक देते हो कि यहाँ ये अलॉटिंग नहीं होगी या उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, तो ये तो इन्फ्रिंचमेंट है, ठीक है, ये इन्फ्रिंच है न्यूज़पेपर राइट की और टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, बट ऑल्सो जो पढ़ने वाले हैं, जो रीडर है ना, उनका भी राइट जो है यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है, राइट टू रीड वॉज वॉयलेटेड। तो यहां पर रीडर के राइट को एक्सेस करने के लिए द न्यूज़पेपर को द राइट टू इंफॉर्मेशन विच वॉज इम्प्लिसिट इन द राइट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो यहां पर यह बोला गया कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट होने से या उसको जो है वो सभी तरह सभी लोगों में जो है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, आप इससे रोक रहे हो। तो ये न्यूज प्रिंटिंग जो आपकी न्यूज प्रिंट करती है, मतलब जो इन ऐसी प्रिंटिंग अथॉरिटी है, उसका तो राइट वॉयलेट हो ही रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ जो न्यूज पढ़ते हैं, जो कि दिल्ली के डेली न्यूज पेपर परचेज करते हैं, उनका राइट भी यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक और केस था एसपी गुप्ता केस, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था पीपल ऑफ दिस कंट्री, उनको राइट है कि जो भी पीपल हैं हमारी कंट्री में, उनको राइट है ये जानने का, एवरी पब्लिक एक्ट को जानने का, एवरी थिंग जो भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है पब्लिक वे में, पब्लिक फंक्शन जो भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर बोला कि हर एक पर्सन जो है वो एंटाइटल है जानने के लिए एवरी पार्टिकुलर ऑफ एवरी पब्लिक ट्रांजेक्शन। इसके अलावा बात करें सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, यहां पर क्या हुआ था, ये बोला गया था कि ये जो आप एयरवेव्स होते हैं ना, ये एयरवेव्स जो होते हैं वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए अमंग द गवर्नमेंट मीडिया एंड प्राइवेट चैनल ऑल्सो, इक्विटेबल बेस पर जो है वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो स्पीच में इंक्लूड होता है कि राइट है टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, कि यहाँ पर जो सरकारी मीडिया है और निजी चैनल है उनके बीच में वितरण न्याय संगत के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जानकारी प्रदान करने और प्राप्त करने का अधिकार जो है वो शामिल है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज ए में के अंडर जो है ये आता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और केस था सुप्रीम कोर्ट का एक केस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण 1974 का केस था। यहाँ पर इस केस में बोला गया था कि
हर एक पर्सन को राइट है ये जानने का, ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का. राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो राइट टू फंडामेंटल राइट में जो है वो इंक्लूड होता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो है वो इंक्लूड होता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन. यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया था. और इसी तरह से हमारा ये कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट रहता है. ये प्लेलिस्ट है जो कि आपको फॉलो करनी है यदि आप यूजीएस नेट पेपर टू लॉ के लिए प्रिपेयर करें. और थैंक यू सो मच. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस.